वाल्मीकि हमारे साथ है क्योंकि जिस तरह से करनाल लोकसभा के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा ने आज कोर्ट में सरेंडर किया, उसके बाद कहीं ना कहीं दिव्यांशु की तो मुश्किलें बढ़ी हैं, साथ साथ कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। किस तरह देखते हैं कि आज दिव्यांशु ने सरेंडर किया, पहले से ही पीओ थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक कैंडिडेट के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो पिछला मुकदमा किया था कई महीनों से भी तो यही था, जब भी इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते थे परंतु नहीं की। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल 10 की 10 सीटें हरियाणा के अंदर जीत रही है, और जो ये कहते थे भाजपा वाले, मोदी साहब भी कहते थे और भी नेता कहते थे कि भाजपा 400 पार, परंतु मैं कहता हूँ भाजपा 543 में थे, 400 रही है हार। विधायक जी, जब कांग्रेस ने दिव्यांशु को कैंडिडेट बनाया, क्या इन बातों को ध्यान नहीं रखा? 2018 का ये मामला था, जनवरी से वो पीओ घोषित है, इन बातों को क्यों छुपाया गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की बात है, हमारे कैंडिडेट है जो दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, उन्होंने हर एक जनसभा में किया, जिस दिन वो टिकट लेकर आए उस दिन उन्होंने सबको कहा था कि भाई ये मुकदमा मेरे पे, यदि ये पहले का था तो मेरे को कोई कानूनी नोटिस नहीं दिया गया, ना मेरे को सूचना दी गई, ये तो इन्होंने बैक डेट में ऐसा किया है। और मैं मानता हूँ कि यदि ऐसे पहले था तो उसको नोटिस देना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोर्ट भी गलत कर रही है, जब वो टिकट लेकर आए, नहीं हम कानून पर मानने वाला व्यक्ति है, पीओ तो कोर्ट ने घोषित किया, नहीं नहीं वो बाद में किया, पहले नहीं, उससे पहले जो जहाँ उसका पर्चा दर्ज है, जहाँ भी उसका पर्चा दर्ज है, क्या कानूनी तरीके से उसको पकड़ना नहीं चाहिए था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कानूनी तरीके से किसी आदमी के खिलाफ एक सादी एप्लीकेशन भी आती है, एक धमकी की एप्लीकेशन आती है, तो प्रशासन उसको सूचना देता है कि आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन आई है? जब इस प्रकार की बात थी, जिसके खिलाफ थी, तो क्या प्रशासन का हक नहीं बनता था कि उस आदमी को सूचना दे? तो मैं कहना चाहता हूँ कितने दिन तक कोर्ट ने लगातार नोटिस उनको जारी किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या मान रहे थे कि कोर्ट वो कानून से बचना चाहते? मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आपने कहा, कोर्ट ने उसको पीओ सब किया, उसका कैंडिडेट का कहना है, कैंडिडेट का बुद्धि राजा जी का कहना है कि कोर्ट ने उसको पीओ घोषित जब किया, जब वो टिकट लेकर आए, जब उनको टिकट मिली, इससे पहले बुद्धि राजा जी का कहना है कि इससे पहले मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया गया। तीन जनवरी का डॉक्यूमेंट है जिसमें पीओ घोषित है, 3 जनवरी तक तो दिव्यांशु बुद्धि राजा का कोई नाम भी नहीं था कि और चुनाव भी लड़ेंगे, जैसे में ये तो बात स्पष्ट नहीं है कि वो कह रहे हैं कि टिकट मिलने के बाद उन घोषित किए। लेकिन अब एक और पेंच है कि 6 महीने से वो स्थान पे नहीं मिले, ऐसा पुलिस भी कह रही है कोर्ट में, कोर्ट के भी नोटिस वहां पर रिसीव नहीं हुए, तो वोट भी कैंसिल हो सकती है इससे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कानूनी प्रक्रिया जो होगी, हम उसको मानने वाले व्यक्ति हैं, उसको मानने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, हम मानते हैं जो कोर्ट से होगा वो हमें मान्य है। परंतु इस बात को मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहता हूँ कि कैंडिडेट आपके ऊपर या मेरे ऊपर या अन्य किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा है, उसको सूचना देनी जरूरी है, और आपसे जो यदि हमारे ऊपर है तो हमारे से ज्यादा बेटर दूसरा कोई नहीं बता सकता। आज सरेंडर किया है तो इसका इलेक्शन कैंपेन पे क्या असर पड़ेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आज सरेंडर किया, उसने जिस प्रकार उसने हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाई थी खट्टर साहब के सामने, इसी प्रकार हरियाणा की इलेक्शन कैंपेन पे असर रहेगा कांग्रेस की? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जैसे ये हुआ है, उसने सरेंडर किया है, तो इससे तो और ज्यादा वोट मिलेंगी, इसे तो और ज्यादा वोटों से जीतने का काम बुद्धि राजा जी को मिलेगा, क्योंकि लोग आशीर्वाद देंगे, वो खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहा था, युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रहा था। कांग्रेस विधायक बलबीर वाल्मीकि थे जिन्होंने कहा कि दिव्यांशु को पीओ होने की कोई जानकारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 जनवरी को नोटिस भी जारी हुआ था कोर्ट की तरफ से, पुलिस को आदेश भी जारी हुए थे। हालांकि अभी जो दिव्यांशु बुद्धि राजा की मुश्किलें वो कम नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरह से आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करना था, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से आज उन्होंने पंचकुला कोर्ट में सरेंडर किया है, तो ऐसे में आज के जो कार्यक्रम है वो उनमें दिव्यांशु बुद्धि राजा की मौजूदगी नहीं रहेगी, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर असर पड़ सकता है, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इससे भी आगे चला जाए तो जिस तरह से चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने निर्धारित पते पर 6 महीने से नहीं मिलता या लापता रहता है तो उसकी वोट भी निरस्त हो सकती है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो दिव्यांशु के नामांकन पर भी तलवार लटक सकती है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। हमारे बीच में हमारे भाई हिमांशु बुद्धि राजा जी पहुंचे हैं, हिमांशु जी के भाई हैं।
विदेश मंत्री राज्य जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और सभी बहुत बहुत स्वागत है। आगे कितने हैं।